हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल के सैलेड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल के सैलेड की कहानी। बहुत समय पहले शैतानपुर नाम के गांव में लाली चुड़ैल रहा करती थी। लाली दूसरे चुड़ैलों की तरह इंसानों को मार कर नहीं खाती थी, बल्कि वो शुद्ध शाकाहारी थी। इस बात से दूसरी चुड़ैल लाली चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अरे पता नहीं ये चुड़ैल हमारी दुनिया में कहां से आ गई? जब देखो तब इंसानों की तरह अनाज खाती है। हाँ तुमने सही कहा, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ये बिना इंसानों को मार के खाए जिंदा कैसे रहती है। देखो तुम दोनों की सोच गलत है, इस तरह किसी को मार कर खाना अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा, अपना ये भाषण किसी और को सुनाना। इतना कह कर कोमल और नैना चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक वहाँ की सभी चुड़ैल बीमार हो जाती हैं। अरे पता नहीं ये कौन सी अजीब बीमारी हमारे यहाँ आ गई है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीमार चुड़ैलों पर डॉक्टर की दी हुई कोई भी दवाई का असर नहीं होता है और सभी चुड़ैलों की हालत दिन ब दिन खराब होती चलती है। लेकिन दूसरी तरफ लाली चुड़ैल को कुछ नहीं होता। चुड़ैलों की हालत देख उसे बहुत बुरा लगता है। अरे नहीं, ये सभी चुड़ैल एक साथ बीमार हो गई हैं। मुझे इन्हें बचाना होगा वरना ये सब मर जाएंगी। लाली चुड़ैल मधुपरी को फोन करके वहाँ बुला लेती है। लाली चुड़ैल और मधुपरी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। शैतानपुर में रहने वाली सभी चुड़ैल बुरी तरह बीमार पड़ गई हैं। चुड़ैल डॉक्टर भी इन्हें ठीक नहीं कर पा रही, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर लाली चुड़ैल मधुपरी को लेकर चुड़ैलों के हॉस्पिटल में जाती है। मधुपरी एक एक कर सभी चुड़ैलों को चेकअप करना शुरू कर देती है। अरे नहीं, इन सभी चुड़ैलों पर काला जादू किया गया है। ये तुम क्या कह रही हो, भला चुड़ैलों पर काला जादू कौन करेगा? तभी मधुपरी अपनी शक्ति से सारी बात का पता लगा लेती है। देखो पास वाले जंगल में एक जादूगरनी रहती है। कुछ दिनों पहले चुड़ैलों ने उसकी बहन को मारकर खा लिया था। इस वजह से नाराज होकर जादूगरनी ने सभी चुड़ैलों पर काला जादू कर दिया है। अब तो सिर्फ वही जादूगरनी इन चुड़ैलों को बचा सकती है। अगर ऐसी बात है तो हमें इसी वक्त उसके पास जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद लाली चुड़ैल और मधुपरी जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। देखो जादूगरनी, तुमने जो सभी चुड़ैलों पर काला जादू किया है प्लीज उसे हटा दो वरना सारी चुड़ैलें मर जाएंगी। मैं यही चाहती हूँ कि सारी चुड़ैलें मर जाएं, क्योंकि तुम चुड़ैलों ने मेरी बहन को मार कर खाया है। इसीलिए मेरे काले जादू की वजह से जब भी कोई चुड़ैल मांस खाएगी तो उसके कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाएगी। लाली चुड़ैल और मधुपरी जादूगरनी से बहुत मिन्नतें करती है। तब जाकर जादूगरनी उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। देखो अब मैं अपने काले जादू का असर खत्म नहीं कर सकती, लेकिन चुड़ैलों के बचने का एक तरीका है। सभी चुड़ैलों को शाकाहारी बनना पड़ेगा और इंसानों का मांस खाना पूरी तरह बंद करना पड़ेगा। तुम मांस नहीं खाती, इसीलिए मेरे काले जादू का असर तुम पर नहीं हुआ। ये सुनकर लाली चुड़ैल सारी बात समझ जाती है और जादूगरनी का शुक्रिया अदा करके पृथ्वी से ढेर सारा सैलेड लेती है और हॉस्पिटल में मौजूद सभी चुड़ैलों को वो सैलेड खिलाने लगती है। थोड़े ही दिनों के बाद काले जादू का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है और सभी चुड़ैलें एकदम ठीक हो जाती हैं।
हमें माफ कर दो लाली चुड़ैल, हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन आज तुमने हम सब की जान बचाई है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम सबको एक वादा करना पड़ेगा कि आज से तुम लोग इंसानों को मारकर नहीं खाओगे। फिर उस दिन के बाद से शैतानपुर की सभी चुड़ैले इंसानों को मारकर खाना बंद कर देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी चुड़ैले खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, चुड़ैल के सैलेड की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लाली चुड़ैल की तरह बुरे वक्त में सबकी मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।